अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। आज का व्लॉग हम लोग लाहौर में आए हैं और ये मलिक आसिफ साहब हैं हमारे साथ। मलिक साहब अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मलिक साहब के ये छोटे बेटे हैं जनाब मलिक मोहम्मद मुबीन साहब और ये अखलाक साहब हैं। बाय बाय करो भी मुबीन, बाय बाय करो। एहसान हक साहब हैं यहाँ पे मेरे छोटे भाई और इनके साथ अमान हक मुगल साहब। ये देख सकते हैं आप, ये सारा विज़िट आपको करवा रहे हैं। ये देखें ट्रेन, ट्रेन ट्रेन पे हम लोग बैठे हुए हैं। यहाँ पे लेफ्ट साइड पे ये देखें पार्किंग है यादगार की और ये हमें आपको यादगार हम लोग आपको दिखा रहे हैं। जी यहाँ पे ये देखें, ये ट्रेन जो है पूरे पार्क जो है यहाँ पे उसका विज़िट करवाती है। यहाँ पे इसलिए बैठे हैं, हम काफ़ी थक चुके थे। और ये देखें ये ब्रिज जो है यहाँ पे यादगार के करीब, ये बहुत बड़ा ब्रिज है। ये बग्गी वाला भी है, ये भी विजिटर है, यहाँ पे विज़िट करवाते हैं। पहला स्टॉप आ चुका है ट्रेन का और हम लोग पहले स्टॉप पे खड़े हैं। मुबीन कैसा पुत्र महसूस कर रहे हो? ठीक, इंजॉय कर रहे हो? खूब मीनारे पाकिस्तान देखा है? देखा है। झील भी देखी है? इधर देखो, झील भी देखी है। ये मलिक साहब, जी मलिक साहब के साथ आया, मलिक साहब का बेटा। ये पीछे आपको ये सारा हम लोग विजिट करवा रहे हैं। ये देखें ये लेफ्ट साइड पे पार्किंग है और साथ में बादशाही मस्जिद है। तो ये चल पड़ी है जी। मल साहब थोड़ा साइड पे, ये देखें ट्रेन पूरा, ये देखें ये मीनार पाकिस्तान और ये जो ब्रिज आपको लेफ्ट साइड पे दिखा रहा हूँ मैं। ये दाता दरबार शरीफ को भी जाता है, 3200 को भी जाता है, शाहदरा को भी जाता है। ये ब्रिज जो है मैं फिर हम लोग आपको मीनार पाकिस्तान दिखा रहे हैं। ये पूरी ट्रेन जा रही है। ये देखो ब्रिज, स्पीड मार रहा है। ये देखें जी फुल मंजर ट्रेन से हम लोग आपको दिखा रहे हैं। क्या कहने, सो स्पीड हो रही, स्पीड तो चेक कर। ये करीब से मीनार पाकिस्तान आपको दिखा रहे हैं। मौसम बहुत प्यारा है आज, बहुत बड़ा पार्क है। ये यहाँ पे होटल्स आ रहे हैं, ग्रैंड होटल्स। अभी रात होने को है, शाम हो चुकी है तो यादगार में तकरीबन लाइटें ऑन हो चुकी हैं, तो रात को तो इसका मंजर ही और हो गया। अखलाक साहब दूसरी ट्रेन जा रही है अभी करीब से,
ملک صاحب ملک صاحب ملک صاحب ایک ہی یہ ملک صاحب نے بہت تنگ جو ہے نا کپڑے پہنے ہوئے ہیں تو ہم لوگ ان کو کہتے ہیں کہ یہ اتنا تنگ ہے میں ملک صاحب کو کہتا ہوں ملک صاحب یہ بہت تنگ سوٹ ہے کسی کو آپ نا یہ پیش کر دیں گفٹ کر رہے ہیں یہ نہیں مانتے یہ قلعے کی بیک سائڈ ہے یہ مینار پاکستان شام کے مناظر آپ کو دکھا رہے ہیں کافی لوگ کافی دنیا دائیں بائیں سے یہاں پہ آتی ہے یہ مسجد کے مناظر ہیں یہاں پہ ریفریشمنٹ کے لیے یہاں پہ دکانیں کھول رکھی ہیں کافی ساری بگی یہ جو ہے دربار ہے جی شیر شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ نور شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ السلام علیکم یا صاحب واہ واہ کمال شام کے مناظر آپ کو دکھا رہے ہیں جی یادگار کے ابھی ٹرین کا جھولا لے کر ہم پورے پارک صاحب کا نکلے ہیں ابھی ذہن ہے جی یہ جو بگی ہے نا اس کے اوپر ہم نے وہ یہاں پہ جھولا لینا ہے یہ دیکھیں جی یہ شاہی قلعے کا مین گیٹ کمال ڈرائنگ بنانے والے نے کمال کا وہ کام کیا ہے یہ دیکھیں کہہ رہے ہیں جی یہ ہر اتوار کو یہاں پہ شعر و شاعری کے یہاں پہ جو گروپ وغیرہ بیٹھتے ہیں تو کمال کے شعرا یہاں پہ تشریف لاتے ہیں واہ کیا کہنے نماز کا بھی وقت ہے اور نماز بھی ادا کرنا چاہتے ہیں ہم لوگ اور اسی کے ساتھ ہی مزار اقبال ہے حکیم الامت شاعر مشرق ڈاکٹر علامہ اقبال کا مزار شریف ہے وہاں پہ پہلے ہم لوگ حاضریت دے چکے ہیں ہاں ہاں یہ دیکھیں یہ دروازہ ہے جی اور یہ اس کے ساتھ ہی مزار اقبال یہ دیکھیں پورے مناظر یہ دیکھیں جی شام کے مناظر آپ کو دکھا رہے ہیں اخلاق صاحب بھی میرے ساتھ ساتھ گھوم رہے ہیں یہ دیکھیں یہ مزار اقبال یہ جو ہے
बादशाही मस्जिद का मेन गेट है। हाँ जी, अखलाक साहब कह रहे हैं जी ये जो मस्जिद है बिलखसूस जो मुग़ल है उनका ये शाहकार है बहुत बड़ा, इसमें कोई शक नहीं है। हम मज़ार इकबाल पे हाजिर हैं, ये अंदरूनी मनाज़र है मज़ार इकबाल के, हम नज़ारा कर रहे हैं। ये अभी सैफ साहब फातिहा नहीं कर रहे हैं, ये देख सकते हैं रात के मनाज़र आप।